संग मुस्कुराते हैं, हर चिता संग जलते हैं और हर नवजात शिशु की मुस्कान संग अवतरित हो सुने नैनों को स्वप्न दे जाते हैं। और फिर किसी शीत वायु के संग हंस तुम्हारी वाणी सितारों में गूंज उठती है और अगली ही भोर फूल बन खिल उठते हैं तुम्हारे शब्द। यह असली भाव इस कविता का समझना पड़ेगा, यह भाव तुम्हारे अनुवाद में नहीं आ रहा है। पिताजी, हम एक बार और कोशिश करते हैं। करोगे? करो। सर, मैंने अपने आप से थोड़ा अटेम्प्ट किया है सर, आप अगर एक बार देख लेते तो। हाँ, एक बहुत अच्छी खबर है, काव्य सरिता का जो तुमने अनुवाद किया है वो प्रकाशक को बहुत पसंद आया है, इसी दिसंबर में उसने छापने का फैसला किया है। बहुत गर्व है मुझे तुम दोनों पर। थैंक यू सर। थैंक यू पिताजी। यही मौका है, बोल देते हैं। Are you sure? इस कविता के बाद? सब कहते नहीं है कि पिताजी से बढ़कर मॉडर्न, उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव राइटर कोई है ही नहीं। सुभाष। क्या? सुभाष, मैं कल तुम्हें एक चिट्ठी लिख रहा था। कौन सी चिट्ठी? To put an end to all this, ये रिश्ता हमेशा के लिए। सुभाष, मैं आज जो भी हूँ सर की वजह से ही हूँ, अगर वो नहीं माने तो। वो चिट्ठी भेज देना फिर। सुभाष, यही मौका है, कोशिश करते हैं। वो चिट्ठी सर के हाथ में, ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या होगा? एक कदम पीछे आते ही हो जाती हो कैद उसी सुनहरे पिंजरे में, एक कदम बढ़ाने पर ही बाहर हो जाती हो समाज के दायरों से दूर, बहुत दूर। क्या तुम्हारे घर में आंगन नहीं है?